अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मज़हर आज़म है और मैं डाव मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। सो आज जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, ये MDCAT का एक टॉपिक है। और इस टॉपिक की बात की जाए तो यहाँ से 3 से 4 MCQs आने होते हैं। थिंग इज़ दैट ये चैप्टर इतना बड़ा है कि अक्सर स्टूडेंट्स इसको छोड़ देते हैं या फिर दे नॉर्मली कवर इट फ्रॉम नोट्स। दैट इज़ प्रीटी मच फेयर टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं अपनी बात करूं, मैंने अपने टाइम पे इसको प्रिपेयर किया था बट मुझे इतना याद नहीं रहा था। बट अब मैं आपको इंशाल्लाह पहले मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा इसकी रिवीजन किसी नोट से करवा दूं ताकि आपको समझ तो आ जाए, फिर आपने जो बातें याद रखनी है वो भी आपको बताई जा सके। और ख़ास तौर पर जब मैं ये लेक्चर दे रहा हूँगा, डिलीवर कर रहा हूँगा, तो उसमें भी साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है। ठीक है, सबसे पहले हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज, दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल, के एनिमल्स के कैरेक्टर्स क्या हैं। फिर वी विल डिस्कस अबाउट द क्राइटेरिया ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। पता है क्या, आप ये दो अच्छे से प्रिपेयर कर लें, आपके 2 MCQs इंशाल्लाह यहाँ से कवर हो जाएंगे। बाकी रही फाइनल फाइलम्स वगैरह, देखें वहाँ से क्वेश्चन आते हैं लेकिन मैक्सिमम वहाँ से एक या दो ही आ सकता है। नॉर्मली यहाँ इस पार्ट से और इस क्राइटेरिया वाले पार्ट से ही MCQs कवर हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, आप उन एग्जाम्पल्स को याद करें और इन दो टॉपिक को याद करें, इंशाल्लाह आपका एनिमलिया वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा कवर हो जाएगा। बिकॉज फाइलम इतने ज़्यादा हैं और क्लासेस इतनी ज़्यादा हैं कि आप याद नहीं रख सकते। तो स्मार्ट बच्चा वो होगा जो स्मार्ट वर्क करेगा, हार्ड वर्क को छोड़ेगा और वो इन दो टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर कर लेगा। मैं फिलहाल इन्हीं दो टॉपिक्स को कवर करूँगा, बिकॉज फाइलम को कराने बैठ गए तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं एनिमल का वर्ड जो है एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, ब्रेथ या सॉल। ठीक है, यानी कि एनिमल का वर्ड लैटिन से ड्राइव्ड है, विच मीन्स ब्रेथ और सॉल। सो ऑल द एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड आर इंक्लूडेड इन किंगडम एनिमेलिया। जितने भी एनिमल्स हैं वर्ल्ड के, उन्हें हम किंगडम एनिमेलिया में इनको इंक्लूड करते हैं या इंक्लूड करते हैं। सवाल पैदा ये होता है कि एनिमल्स होते क्या हैं, हाउ वी कैन डिफाइन एनिमल्स। भाई एनिमल्स के 4 कैरेक्टर्स हैं जो यू नीड टू रिमेंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी एनिमल्स होते हैं सारे यूकैरियोटिक हैं। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का डिफरेंस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, यूकैरियोट वो सेल होता है जिसके पास प्रॉपर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ये यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं और इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होती हैं। और तो जो हमारे एनिमल हैं वो यूकैरियोटिक हैं। उसके बाद मल्टी सेलुलर हैं, कोई भी ऐसा एनिमल नहीं है जो एक सेल से मिलके बना हो। दे आर हेटरोट्रॉफ। हेटरोट्रॉफ यानी कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते बल्कि इन्हें किसी और ऑर्गेनिज्म से अपना फूड चाहिए होता है। एंड दे लैक सेल वॉल। तो नो सेल वॉल, यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर एंड हेटरोट्रॉफ, दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ एनिमल्स। अगर इसको डिटेल में पढ़ना चाहें, कह रहे हैं एनिमल्स जो हैं दे कैन बी फ्री लिविंग, यानी कि वो फ्रीली सर्कुलेट कर सकते हैं। दे आर मोटाइल, यानी कि मूव कर सकते हैं। और दे कैन बी सेसाइल, यानी कि कभी भी वो अपनी जगह से नहीं हिलते, दे ऑलवेज स्टे एट सेम प्लेस। तो ऐसी चीज़ जिसके अंदर कोई मूवमेंट ना हो उसको सेसाइल कहते हैं। और दे आर पैरासाइट। तो एनिमल्स कैन बी फ्री लिविंग, दे कैन बी पैरासाइट, दे कैन बी सेसाइल एंड दे कैन बी मोटाइल। एनिमल्स आर फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट। ठीक है, और इनका साइज जो होता है, जो वॉर्म्स से रेंज करते हैं, वॉर्म्स जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं। जो ब्लू वेल्स होती हैं, सबसे लार्जेस्ट एनिमल है ब्लू वेल, हमारा MCQ का पॉइंट है, जिसका वेट होता है 150 टन। और एक बार जो कि सिंध की नई बुक के अंदर मौजूद है, दैट इज इसके लेंथ कितनी होती है, 40 मीटर। तो वेल्स, ब्लू वेल जिसका ब्लू वेल है, ओके, जिसका वेट 150 टन है एंड 40 मीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। एनिमल्स की बात की जाए तो एनिमल्स, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि उनके जो सेल्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। जब सेल्स ऑर्गेनाइज होते हैं, स्पेशलाइज होते हैं, यानी कि बहुत सारे सेल्स जो एक जैसा फंक्शन कर रहे होते हैं वो सारे यूनाइट हो जाते हैं। जब वो सारे यूनाइट हो जाते हैं तो टिश्यू बनाते हैं, फिर बहुत सारे टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, फिर ऑर्गन्स मिल से ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ एनिमल्स जो हैं सॉफ्ट भी होते हैं, हार्ड भी होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल एंड बायलेटरली सिमेट्रिकल। रेडियली सिमेट्रिकल का अगर मैं कोई नॉर्मली एक बात बताऊं तो रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है एक ऐसा एनिमल, अगर मैं सर्कल की बात करूं तो मैं इस सर्कल को यहां से कट करूं, ठीक है, मैं इसको यहां से कट करूं, मैं इसको यहां से कट करूं, मैं इसको यहां से कट करूं, मैं जिस भी एक्सेस से करूं, बट नॉर्मली हम सेंट्रल एक्सेस की बात करते हैं। तो अगर मैं इस एनिमल को सेंट्रल एक्सेस से किसी भी तरीके से काट लूं, मैं सेंट्रल एक्सेस से यानी कि इस तरीके से काटूं कि जो मेरा काटने की जो पोजीशन है वो इस बीच के सेंटर पॉइंट से गुजरे, तो ऐसा एनिमल जिसको मैं सेंटर इस तरीके से काटूं, ठीक है, इस तरीके से काटूं कि वो जो काटने वाला एक्सेस है वो सेंटर में से गुजरे, तो वो इस एनिमल को ना ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा जो बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, जो बिल्कुल
आइडेंटिकल होंगे, तो इसको कहते हैं रेडियल सिमेट्री। और बायलेटरली सिमेट्रिकल मतलब होता है कि आप इसको किसी भी एक्सेस से नहीं काट सकते। इसको काटने के लिए आपको एक मेन एक्सेस यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ आप इसको एक सजाइडल एक्सेस से काटोगे। सजाइडल एक्सेस ये होता है कि अगर एक इंसान है, फॉर एग्जाम्पल, ये इंसान नहीं है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो उसको अगर हम काटेंगे तो हम उसको बीच में सेंटर से यूँ काटूंगा, ये तो सेंटर से भी नहीं काटा, मैं उसको सेंटर से यूं काटूंगा, जब मैं सेंटर में से काट दूंगा तो बायलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स में जब आप उसको बीच में सेंटर से काटते हो तो फिर क्या होता है कि इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ में बॉडी डिवाइड हो जाती है, बॉडी राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ में डिवाइड हो जाती है, यानी कि जो पार्ट यहाँ होगा वही पार्ट यहाँ होगा, ठीक है, ये हो जाता है आधा सर यहाँ आधा सर यहाँ। पर जब आप इसको काटते हो ना तो इसमें ये नहीं होता कि आधा सर एक साइड पे हो आधा सर दूसरी साइड पे, नहीं, यहाँ पर अगर सर होगा तो वो ऊपर रह जाएगा, ठीक है, जो उसका जो पैर वगैरह होंगे वो नीचे रह जाएंगे, ये रेडियल सिमेट्री में होता है। बायलेटरल सिमेट्री में क्या होता है कि आप इक्वली इसको राइट एंड लेफ्ट हाफ में काट देते हो, जो बिल्कुल एज इट इज होते हैं। अच्छा, एनिमल्स जो होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है कि ऐसे एनिमल्स दो दो जम लेयर्स से मिलकर बनते हैं ना, ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर दो जम लेयर्स होती हैं और वो दो जम लेयर्स से ही सारे स्ट्रक्चर बनाते हैं, उनको डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। और ऐसे एनिमल जिनके अंदर तीन जम लेयर्स होती हैं उनको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। बॉडी में भी कवर्ड बाय शेल्स, काइटिन, स्केल्स, फर्स, ये अलग बात है कि बॉडी किसी भी इन चीज़ों से कवर हो सकती है। एनिमल्स जो हैं दे कैन बी ए सिलोमेट, सूडो सिलोमेट एंड सिलोमेट, मैं इसको आगे डिस्कस करूंगा डिटेल में, पर अगर शॉर्टली बताऊं तो ए सिलोमेट वो एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर कोई कैविटी नहीं होती, सूडो सिलोमेट वो एनिमल्स होते हैं, कैविटी का मतलब है कि डाइजेस्टिव कैविटी तो होगी यार, ये ऐसा होता है कि अगर ये एक मैं एक आउटर कवरिंग है, फिर इसको आउटर कवरिंग को कहते हैं एक्टोडर्म, इस एक्टोडर्म के अंदर होती है एक यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पूरा पोर्शन है मिजोडर्म का, फिर मिजोडर्म के बाद ये वाला जो पोर्शन है ये है मेरा एंडोडर्म का, तो ये एक्टोडर्म हो गई, बीच में सारी ये मिजोडर्म है और ये है मेरा एंडोडर्म, और एंडोडर्म के बाद यहाँ पर मेरी डाइजेस्टिव ट्यूब मौजूद होती है। सो जो ये जो सिलोमेट है, जो कैविटी है ना, ये नॉर्मली इस एरिया पे बनती है, डाइजेस्टिव ट्यूब तो होती ही होती है, इस डाइजेस्टिव ट्यूब के अलावा कोई एक और कैविटी ने बनना होता है, तो ये जो कैविटी ने बनना होता है ना ये अलग अलग जगह पर बन सकती है। सो अगर कोई कैविटी बनेगी ही नहीं तो हम कहेंगे ए सिलोमेट एनिमल है। सूडो सिलोमेट क्या होता है, सूडो सिलोमेट वो एनिमल होता है कि अगर उसकी कैविटी बने, बट जो कैविटी बनेगी वो बनेगी एक्टोडर्म के दरमियान, ठीक है, और बनेगी हमारी मीजोडम के दरमियान, तो एक्टोडम के दरमियान और मीजोडम के दरमियान बन रही है जो कैविटी, ठीक है, उसको हम कहेंगे वो है सूडो सिलोमेट। और सिलोमेट वो कैविटी होती है जो ऐसे बनती है कि उसके, अगर मैं इसको दोबारा बनाऊँ तो ये हमारा एक्सटर्नल कवरिंग हो गई, ये डाइजेस्टिव ट्यूब की कवरिंग हो गई एंडोडम, ठीक है, एक्टोडम, एंडोडम, और ये बीच में है मीजोडम। जो कैविटी बनेगी ना वो इस तरह बीच में बनेगी कि उसके ऊपर भी मीजोडम, नीचे भी मीजोडम, साइड पे भी मीजोडम, साइड पे भी मीजोडम, तो हर तरफ से उसको मीजोडम ने कवर किया होता है। तो ऐसी कैविटी जो बिल्कुल मीजोडम के अंदर बनती है उसको हम ट्रू सिलोमेट कहते हैं। तो ऑल द एनिमल आर हाइड्रोट्रॉफ, यानी अपना खाना खुद नहीं बना सकते, और द एक्वायर्ड फूड बाय इंजेशन, यानी कि खाना किसी और एनिमल से हासिल करते हैं, फॉलोड बाय डाइजेशन, यानी कि खाना पहले प्रॉपरली अपने मुंह में अंदर डालते हैं फिर उसकी प्रॉपर डाइजेशन होती है। एनिमल के अंदर कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जिनके अंदर कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसकी मिसाल है स्पंजिस। देखें ये जो एग्जाम्पल्स हैं आपको याद रखने की कोशिश करनी है, अगर आप ये याद रख लेंगे ना आप आगे चैप्टर छोड़ भी दें आपके एक या दो एमसीक्यूज मिस हो पाएंगे, अगर आप फिश के अलावा उन फाइलम्स के कैरेक्टर्स को रीड कर लेंगे तो फिर इंशाल्लाह वो भी मिस नहीं होंगे। मैं इसके लिए रेकमेंड करूँगा कि आप सिंध की जो फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी है ना, नई बुक जो आई है, उसको फॉलो करें, उसके अंदर इस चैप्टर को बहुत कंसाइजली कवर किया गया है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वहाँ पर वो बता दिए गए हैं, आप उनको रीड कर लें, यू विल नॉट फेस एनी डिफिकल्टी देन, ठीक है, और आपके सारे पॉइंट्स इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे जो आपको पता होने चाहिए एमडी गेट के लिए। सो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर डेफिनेटिव डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, स्पंजीज उसकी एग्जाम्पल है, इट इज़ अ सैग लाइक एग, या तो फिर बिल्कुल नहीं होगा डेफिनेटिव डाइजेस्टिव सिस्टम स्पंजीज में, अगर होगा तो एक सैग लाइक होगा, अगर सैग लाइक कैविटी होगी तो हाइड्रा के अंदर होगी, या फिर रूडिमेंट्री होगा कि होगा तो सही बट लाइक वो पहले हुआ एक ज़माने में होता हुआ करेगा बट अभी प्रेजेंट जनरेशन मौजूद नहीं है, दैट इज टैपवर्म के अंदर। तो टैपवर्म के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम रूडिमेंट्री होता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर होता है हाइड्रा के अंदर, और जो आपका नो डेफिनेटिव होता है वो स्पंजिस के अंदर होता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में है वन ओपनिंग, अगर एक ओपनिंग है तो प्लेनेरिया है, ये एमसीक्यूज के पॉइंट है सारे, अगर एक ओपनिंग है तो प्लेनेरिया है, तो प्लेनेरिया में डाइजेस्टिव सिस्टम की एक ओपनिंग होती है। ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम हैव टू ओपनिंग, तो नेमाटोड से मैमल्स, तो नेमाटोड फाइलम से लेके, फाइलम नेमाटोडा से लेके मैमल्स तक जितने भी हैं एनिमल्स, उन सब की डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ओपनिंग होती है, एनस एंड माउथ। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो एब्सेंट होगा स्पंज के अंदर, तो स्पंज के अंदर ना एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना डाइजेस्टिव सिस्टम है, और नाइडेरिया के अंदर भी एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है,
डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली स्पंजिस के अंदर नहीं था, लेकिन नाइडेरिया के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम और स्पंजिस के अंदर भी एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है। इट इज़ ब्रांच लाइक, अगर ब्रांचिंग ट्यूब है तो फ्लैट वॉर्म के अंदर है। ब्रांचिंग ट्यूब लाइक एक्सक्रीटरी सिस्टम इज फाउंड इन फ्लैट वॉर्म। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन नेमाटोड टू मैमल, वही बात है, नेमाटोड से मैमल्स तक प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जैसे कि प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम भी इनके अंदर होता है नेमाटोड से मैमल्स के अंदर। देर इज नो डेफिनेटिव नर्वस सिस्टम इन स्पंज। देखो स्पंज के अंदर नर्वस सिस्टम भी नहीं है और नाइडेरिया के अंदर भी नर्वस सिस्टम नहीं है, या फिर नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन नेमाटोड टू कॉर्डेट, और नेमाटोड से लेके कॉर्डेटा तक हमारा नर्वस सिस्टम मौजूद होता है। ये सारे एमसीक्यूज के पॉइंट है एग्जाम्पल्स के साथ। कुछ एनिमल्स हैव सेंस ऑर्गन, कुछ एनिमल्स के अंदर सेंसरी ऑर्गन होते हैं। ऑल एनिमल्स रिस्पायर, सारे एनिमल्स जो है वो रिस्पायरेशन करते हैं, लेकिन रिस्पायरेटरी सिस्टम जो होता है स्पंज के अंदर एब्सेंट होता है। रिस्पायर तो करते हैं, यानी कि क्या फिर क्या स्पंज जो है वो रिस्पायर नहीं करते? ऑब्वियसली वो करते हैं, बट अपनी बॉडी सरफेस से करते हैं, उनके अंदर की प्रॉपर रिस्पायरेटरी सिस्टम डेवलप नहीं होता। इसके साथ साथ जो प्रॉपर रिस्पायरेटरी सिस्टम डेवलप नहीं होता ना, एब्सेंट होता है, वो नाइडेरिया के अंदर भी एब्सेंट होता है, फ्लैट वॉर्म के अंदर भी एब्सेंट होता है, ठीक है, और आपके नेमाटोड जो होते हैं जिनको हम राउंड वॉर्म्स भी कहते हैं उनके अंदर भी एब्सेंट होता है, एनेलिडा के अंदर भी एब्सेंट होता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड टू कॉर्डेट, आर्थ्रोपोड से लेके कॉर्डेट तक हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम मौजूद होता है। स्केलेटन की बात करें तो इट इज प्रेजेंट इन ऑल मैमल्स। स्पाइक्यूल किसके अंदर होते हैं? स्पंज के अंदर। यार मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये एमसीक्यूज के पॉइंट्स हैं, ये पास्ट पेपर में आ चुके हैं और यहीं से कवर हो रहे हैं। स्पाइक्यूल्स आर प्रेजेंट इन स्पंजेस, ठीक है। हाइड्रो स्केलेटन इज प्रेजेंट इन वॉर्म्स एंड एनेलिडा। तो हाइड्रो स्केलेटन होती है ऐसी स्केलेटन जो वाटर से मिलकर बनती है, वो प्रेजेंट होती है वॉर्म्स के अंदर और एनेलिडा के अंदर। स्केलेटन जो एक्सो स्केलेटन होती है वो आर्थ्रोपोड्स के अंदर होती है, मोलस्का के अंदर होती है और कॉर्डेट के अंदर होती है, और इट में भी एंडो स्केलेटन इन मोलस्का, यानी सीपिया एक मोलस्का की टाइप है। तो मोलस्का के अंदर एक्सो स्केलेटन भी हो सकती है, एंडो स्केलेटन भी हो सकती है। एक्सो स्केलेटन जो है वो मोलस्क के अंदर होती है, और जो एंडो स्केलेटन होती है वो मोलस्क की टाइप सीपिया के अंदर होती है। एकिनोडर्म्स के अंदर भी एंडो स्केलेटन होती है, कॉर्डेट के अंदर भी होती है, और ह्यूमंस के अंदर यानी कि जो हम वेल डेवलप्ड वर्टिब्रेट्स होते हैं ना, ये हमारे अंदर भी एंडोस्केलेटन होती है। मोस्ट एनिमल्स आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन एट सम टाइम ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल, ज़्यादातर एनिमल जो है वो लोकोमोट कर सकते हैं। मैंने बहुत एमसीक्यूज के पॉइंट बताए हैं। स्केलेटन किसके अंदर? स्पाइक्यूल्स की फॉर्म में होती है स्पंज। हाइड्रोस्केलेटन कहाँ होता है? वर्म्स एंड एनेलिडा के अंदर। एक्सोस्केलेटन कहाँ होता है? आपके आर्थ्रोपोड के अंदर एक्सोस्केलेटन होता है, मोलस्क के अंदर होता है और कॉर्डेट के अंदर होता है। और जो आपका एंडोस्केलेटन होता है वो कहाँ पर होता है? आपके मोलस्क के अंदर होता है, एकिनोडर्म्स के अंदर होता है, कॉर्डेट के अंदर होता है। एंडोस्केलेटन दरअसल हायर एनिमल्स के अंदर होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो लो भाई, स्केलेटन तो इसके अंदर मौजूद है स्पंज के अंदर, लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी नहीं है, नर्वस सिस्टम भी नहीं है, रिस्पायरेटरी सिस्टम भी नहीं है। तो नाइडेरिया के अंदर और स्पंज के अंदर दोनों के अंदर ये बातें सारी सेम सेम चल रही होती हैं, सिवाय डाइजेस्टिव सिस्टम के, बिकॉज नाइडेरिया के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, नाइडेरिया के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम आपका होता है, बट जो आपका बाकी सिस्टम होते हैं ना, एक्सक्रीटरी हो गया, रिस्पायरेटरी और सर्कुलेटरी, ये नाइडेरिया के अंदर भी नहीं होते। राउंड वर्म्स के अंदर भी आपका सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, फ्लैट वर्म्स के अंदर भी नहीं होता। मैं ये रेकमेंड करूंगा जो ये पॉइंट्स हैं सारे, आप ये एक दफ़ा नोट डाउन कर लें और इनको बार बार रिवाइज करें, कि पॉइंट्स इंशाल्लाह आएंगे पेपर में, तो यू शुड भी रिमेंबरिंग देम। इट इज़ प्रेजेंट इन एनेलिडा टू कॉर्डेट, एनेलिडा से लेके कॉर्डेट तक आपका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। स्पंज के अंदर नहीं है, नाइडेरिया के अंदर नहीं है, राउंड वर्म्स के अंदर नहीं है, फ्लैट वर्म के अंदर नहीं है। रिप्रोडक्टिव सेल्स की बात करें या ऑर्गन्स की बात करें या रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल द एमल्स, ऑल द मेमल्स, ऑल द एनिमल्स, सॉरी, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होते हैं या ऑर्गन या सिस्टम तकरीबन हर एनिमल के अंदर होता है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो होती है ना, ए सेक्शुअल वाली, वो स्पंज के अंदर होती है, नाइडेरिया के अंदर होती है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो होती है ना, सारे दूसरे एनिमल्स में होती है, और उसमें क्या होता है, एक एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो और एक सेल होता है, ठीक है। दैट अंडरगो स्पेसिफिक स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, उसके बहुत सारी डेवलपमेंट होती हैं। तो एम्ब्रियो बनता है किसके अंदर? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। एनिमल हैव अ लाइफ साइकिल इन विच अडल्ट इज ऑलवेज डिप्लॉयड, जो एनिमल होते हैं उनके अंदर लाइफ साइकिल होती है जिसमें अडल्ट जो होता है इट इज़ ऑलवेज डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का मतलब है उसका क्रोमोजोम आर ऑलवेज इन डबल, यानी कि एनिमल्स की बात की जाए, इन ह्यूमन्स की बात की जाए, उसके अंदर 23 क्रोमोजोम्स के दो पेयर होते हैं, या फिर टोटल 46 क्रोमोजोम होते हैं। ये टोटल 46 क्रोमोजोम है, इनको हम डिप्लॉयड कहेंगे। लाइफ साइकिल में हैव लार्वा स्टेज, यानी स्पंज के अंदर, एनालिडा के अंदर और आर्थ्रोपोड के अंदर, और मोलस्का, काइनोडर्म्स एंड एम्फीबियंस के अंदर, ये सारे लार्वा स्टेजेस होते हैं। स्पंज के अंदर होता है लार्वा स्टेज, एनालिडा के अंदर होता है, आर्थ्रोपोड्स के अंदर होता है, मोलस्का, काइनोडर्म्स के अंदर और एम्फीबियंस के अंदर। और जो रीजनरेशन है वो स्पंज के अंदर होती है, यानी कि रीजनरेशन का मतलब है अगर इनका कोई पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाए कोई, यानी कि अगर फिश की बात करें, स्टार फिश या जेली फिश,
उसका कोई एक आर्म कट जाए तो उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये आर्म दोबारा डेवलप कर सकती है। तो रीजनरेशन इज सोन इन स्पंज एंड सम नाइडेरियंस एनालिडा एंड इकैनोडर्म्स। इकैनोडर्म्स की मिसाल थी हमारे स्टार फिश, जेली फिश वगैरह। ठीक है, तो कह रहे हैं आपने इतने सारे करेक्टर्स पढ़ लिए, तो इस सारे एनिमल्स में ऐसे कौन से करेक्टर्स होते हैं जो कॉमन होते हैं। चलिए हम एक काम करते हैं, अब डिवाइड करते हैं एनिमल्स को। हम कहते हैं भाई एनिमल सबसे पहले होता है यूकैरियोट। अरे ठीक है, यूकैरियोट तो होता है, तो प्लांट्स भी तो यूकैरियोट होते हैं। अब जब एनिमल यूकैरियोट होता है ना, तो एनिमल अगर यूकैरियोट है तो इसका मतलब है एनिमल दूसरे ग्रुप्स की तरह है। वो दूसरे ग्रुप्स कौन से हैं? आपका एनिमल जो है वो प्रोटिस्ट की तरह है, फंजाई की तरह है और प्लांट की तरह है। इसका मतलब है प्रोटिस्ट, फंजाई एंड प्लांट्स ये भी यूकैरियोटिक होते हैं, ये आपने याद रखना है। यूकैरियोट कौन कौन से हैं? एनिमल्स तो हैं, साथ में प्रोटिस्ट, फंजाई एंड प्लांट्स ये भी यूकैरियोटिक हैं। एंड सेपरेट देम फ्रॉम ऑल द प्रोकैरियोट। तो अगर यूकैरियोट की बेस पे आप डिवाइड करना चाहोगे तो एनिमल्स के साथ साथ प्रोटिस्ट भी आ जाएगा, फंजाई प्लांट्स भी आ जाएंगे, प्रोकैरियोट्स नहीं आएंगे। अगर हम उनको मल्टी सेलुलर कहें कि यार एनिमल सारे मल्टी सेलुलर होते हैं, तो फंजाई सिंगल सेल वाले भी होते हैं, प्लांट सिंगल सेल वाले भी होते हैं और कुछ प्रोटिस्ट भी सिंगल सेल वाले होते हैं। तो अगर मैं मल्टी सेलुलर कहूँगा तो कुछ ना कुछ प्लांट्स आ जाएंगे इसके अंदर, बट कुछ कुछ जो होते हैं ना वो कुछ फंजाई प्लांट्स और प्रोटिस्ट इसमें नहीं आएंगे, बिकॉज दे आर यूनि सेलुलर। अगर मैं हेटरोट्रॉफ की बात करूँ तो एनिमल्स हेटरोट्रॉफ होते हैं, बट फंजाई सेपरेट एनिमल एंड फंजाई, तो फंजाई के अंदर भी कोई ऑटोट्रॉफिक मैकेनिज्म नहीं होता। तो फंजाई एंड एनिमल्स याद रखना है, दे आर नॉट ऑटोट्रॉफ। तो फंजाई और एनिमल जो होते हैं ऑटोट्रॉफ नहीं होते, बल्कि प्लांट्स और प्लांट लाइक एल्गा, ठीक है, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। एल्गा क्या है? आपका किंगडम प्रोटिस्ट के अंदर आता है, फाइलम प्रोटिस्ट के अंदर आता है। तो जो एल्गा जो है आपका वो प्रोटिस्ट के अंदर आता है, ठीक है, किंगडम प्रोटिस्ट के अंदर आता है, और वो क्या होता है, वो प्लांट के साथ जो आपका जो एल्गा है वो भी क्या करता है, ऑटो लाइक उनकी जो उसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि अपना खाना खुद बनाता है, विच आर फोटोसिंथेटिक, यानी कि फोटोसिंथेसिस के जरिए काम करते हैं। फाइनली अगर मैं कहूँ कि यार एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती, तो ये वाली बात जो है ना ये डिस्टिंग्विश करती है एनिमल को फ्रॉम प्लांट्स, एल्गा एंड फंजाई। यानी कि ऐसी चीज़ जो हमारे एनिमल्स को तमाम ग्रुप्स के दूसरी चीज़ों से डिवाइड अलग कर सकती है, सब तमाम तो नहीं बट मोस्टली प्लांट्स से, एल्गा से और फंजाई से, दैट इज सेल वॉल। फंजाई के अंदर सेल वॉल होती है, और मैं एमसीक्यू उसकी बात बता दूं, फंजाई की सेल वॉल किससे मिलके बनी होती है, दैट इज फंगल सेलुलोज, ठीक, किससे, फंगल सेलुलोज कहते हैं उसको, उससे मिलके बनी होती है। और प्लांट्स की तो सेलुलोज से मिलके बनी होती है, फंजाई की आई गेस, यार आई गेस मुझे याद नहीं आ रहा, बट इट इज आइदर काइटिन आई गेस, ठीक है, तो यू शुड वेरीफाई दैट, मुझे फिलहाल कन्फ्यूजन है इसमें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, देखें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए थे, बहुत एग्जांपल्स आई हैं, और मैंने आपको कहा है कि आप एग्जांपल्स आपने याद रखनी है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इंशाल्लाह मैं एक और लेक्चर के साथ आऊँगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन, जो कि आपके एमडी गाइड के सिलेबस का पार्ट है, और इंशाल्लाह हम इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बिकॉज इसमें काफ़ी टॉपिक्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो कवर हो रही हैं। तो अगर हम इंशाल्लाह उसको कवर कर लेते हैं तो हमारा अच्छा पोर्शन जो कि इंशाल्लाह हमें एक से दो एमसीक्यू ज़रूर कवर करवा देगा वो कवर हो जाएगा। और इस टॉपिक के बाद फिर आपका क्या स्टार्ट हो जाता है, दैट इज़ फाइलम से स्टार्ट हो जाती है, ये लास्ट टॉपिक होता है क्राइटेरिया वाला, उसके बाद आप फाइलम से स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।